NSOI में मेरी शुरुआत हुई 95 में। मैंने अपने कॉलेज का इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन भी एक चैलेंज के रूप में लड़ा, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि छापर से सिर्फ दो लड़कियां कॉलेज जाती हैं तो सिर्फ दो वोट मिलेंगे, और मुझे लगा कि नहीं, दो नहीं, दो से तो ज़्यादा मिलेंगे। और ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस ऑफिस में आकर के बैठूंगी। तो एक्चुअल एम्पावरमेंट या जो वास्तविक सशक्तिकरण है वो तभी संभव है जब महिलाओं के पास आर्थिक आत्मनिर्भरता हो। डिसीजन मेकिंग्स में विमेंस को आगे लाने की कोशिश नहीं करेंगी तब तक जो हम अपेक्षित रिजल्ट या परिणाम जो चाहते हैं कि महिलाएं आएं, वो आने में थोड़ी सी देरी होने की संभावना है।